आज राज्य सरकार ने, गृह विभाग ने बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए पदों का सृजन किया है और सबसे बड़ी संख्या में पदों का सृजन किया है। पहला तो जो ईआरएसएस है आपका डायल 112 जो राज्य में चलता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट स्कीम जो है, सिस्टम है, उसके अंतर्गत 7808 पदों का सृजन किया है। तो पहला तो प्रथम चरण का 7808 पदों का सृजन किया, जिसमें पुलिस संवर्ग के एवं गैर पुलिस संवर्ग के बाली होंगी। इसके अतिरिक्त जो बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति होगी, वो 48,447 पद, और ईआरएसएस जो ईआरएस प्रथम चरण की बात हुई थी उसकी उसका द्वितीय। आज राज्य सरकार ने, गृह विभाग ने बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए पदों का सृजन किया है और सबसे बड़ी संख्या में पदों का सृजन किया है। पहला तो जो ईआरएसएस है आपका डायल 112 जो राज्य में चलता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट स्कीम जो है, सिस्टम है, उसके अंतर्गत 7808 पदों का सृजन किया है। तो पहला तो प्रथम चरण का 7808 पदों का सृजन किया, जिसमें पुलिस संवर्ग के एवं गैर पुलिस संवर्ग के बाली होंगी। इसके अतिरिक्त जो बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति होगी, वो 48,447 पद, और ईआरएसएस जो ईआरएस प्रथम चरण की बात हुई थी उसके उसका द्वितीय चरण 19,288, कुल 67,735 विभिन्न पदों का सृजन होगा। तो ये सबसे बड़ी बाली होगी 67,735, और राष्ट्रीय औसत के अनुपात में राज्य के आवश्यकता अनुसार यह बाली होगी। राज्य के जनसंख्या के अनुपात में आज के दिन में 104,254 पद हैं और इसी क्रम में ईआरएसएस के 7,808, ईआरएसएस के द्वितीय चरण 19,288, जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति 48,447, कुल 75,543 पद है। दोनों को मिला के आपका 75,543 पद हो जाते हैं, 67735 + 7808। तो ये सबसे बड़ी बहाली होगी और ये विभिन्न चरणों में होगी, एक साथ बहाली नहीं होना है, ये विभिन्न चरणों में होना है, जिसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता के अनुसार, ट्रेनिंग के कैपेसिटी के अनुसार कितना प्रशिक्षण दिया जा सकता है उसके अनुपात में विभिन्न चरणों में, और साथ ही साथ इसके लिए जो राशि की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता है, उसका भी समय समय पर आकलन किया जाएगा, और ये सब देखते हुए चरण भार इसकी बहाली होगी। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है ये, मतलब ये चरणवार है जैसे जैसे, और राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द हो जाए। चरणवार मैंने कहा आपको, मैंने चरणवार आपको कहा, तो चरणवार ये सीधी नियुक्ति है, सीधी नियुक्ति वाले आपके कांस्टेबल हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो उसमें पुलिस निरीक्षक है, अवर पुलिस निरीक्षक है, सीधी वाले तो सिपाही चालक है, सिपाही है, हवलदार चालक है। सीधी नियुक्ति का मैं एग्जैक्टली पद पढ़ देता हूँ, देखा है। सीधी नियुक्ति का पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पद है 20,937, सिपाही एवं समकक्ष पद है 22,010, सिपाही चालक है 5,500, ये हो गया 48,447। ठीक है, और ईआरएसएस के द्वितीय चरण वाले पद हैं
उसमें सिवाय सिपाही चालक है और सहायक अवर निरीक्षक है, ये सारे हैं जो पद हैं, जो 19,288 है। तो ये चरणवार बहाली होनी है और आवश्यकता अनुसार पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ये तय करेगा कि कितनी ट्रेनिंग की क्षमता है, क्योंकि साथ साथ जो बहाली होनी है उन सबकी ट्रेनिंग भी होनी है, तो जो ट्रेनिंग की क्षमता है उसके अनुरूप होगी और साथ ही साथ ऑब्वियसली इसके संसाधन वेतन भी देना है, तो वेतन की भी समीक्षा होगी जब जब बहाली होगी और उसी के अनुरूप उसके बहाली होगी। तो यही इसका सर। ERSS जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, ये जो 112 है, इसमें आज के दिन में कोई पद का सृजन नहीं हुआ है। जो वर्तमान पद हैं, जो पुलिस मुख्यालय के पास वर्तमान पद हैं, उसी से आज के दिन में इनका डिप्लॉयमेंट हुआ है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पद है। तो इसको दो चरण में किया गया है, जो एग्जिस्टिंग जो पद जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज के दिन में, उसमें बहाली करके पहले उसको भरे जाएंगे, जिसमें 7,808 पद हैं। और द्वितीय चरण जो है, जो इसको और विस्तार किया जाएगा ताकि हर जिले, अभी केवल पटना जिला है, पटना के मुख्यालय है और कुछ जिला मुख्यालय में 112 चलता है, फिर हर पूरे जिले में, पूरे राज्य में, हर जगह इसका कवरेज देने के लिए फिर यह द्वितीय चरण जो है ERSS का 19,288 पद क्रिएट किए जाएंगे, ताकि पूरे राज्य में 112 का जो त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम है उसका गठन किया जाए। तो यही, इसीलिए दो चरण की बात कर रहा हूँ। प्रथम चरण है जो आज के दिन में एग्जिस्टिंग है, जिसको वर्तमान पुलिस बल के माध्यम से किया गया है, और द्वितीय चरण है जो पूरा मैप है, पूरा राज्य, पूरे राज्य में हर जगह इसको कवर किया जाएगा, तो द्वितीय चरण, ठीक है। और एक चरणबद्ध है और राज्य सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द बाल हो और ट्रेनिंग कराना है और साथ ही साथ इनका संसाधन भी उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध करना है। तेरा नंबर क्या सर? अभी ठहरी ना, अभी चलने दो। दूसरा ये है कि इंडियन बाइसन, आपको जानकारी होगा वाल्मीकि नगर के क्षेत्र में इंडियन बाइसन जानवर काफी क्षति अगल बगल के गांव में उपलब्ध कराता है, और उसी को इंडियन बाइसन बॉस गारूस गारूस जिसको गौर कहते हैं, उसको भी वन्य प्राणी के श्रेणी में रखा गया है, और उसमें भी वही नुकसान पर अनुदान दिया जाएगा जो अन्य जंगली जानवर पर दिया जाता है। तो ये एक निर्णय लिया गया है, जैसे मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थायी क्षमता पर 5,00,000 था, मनुष्य की गहरी चोट था उसमें 72,000 था, मनुष्य की हल्की चोट या घायल होने पर 12,000 था। उसके बाद बैल गाय भैंस मृत्यु होने पर 12,000 है, भेड़ बकरी मृत्यु होने पर 2,400 है, बकरी की मृत्यु होने पर 3,600 है। फिर मकान की क्षति है, मकान का दीवार टूटना है, फसल और पाकिस्तान। तो ये जो स्टैंडर्ड जो जंगली जानवरों के क्षति में जो अनुदान दिया जाता है, उसमें आप गौर जो है उसको भी इंक्लूड किया गया। 2,803 विद्यालयों में 50 करोड़ के रुपए के जो अनुरूप जो फर्नीचर बेंच और डेस्क लगाए जाएंगे, और उसका कारण में विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा। बिहार विद्यालय शिक्षा समिति हर पंचायत में जो गठित है, वे बेंच और डेस्क क्रय करेंगे और 50 करोड़ राशि इस पर व्यय होगी। 50 करोड़ राशि, आपको जानकारी होगा जो तारामंडल है पटना मुख्यालय में, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्य चल रहा है, नया टेलीस्कोप का स्थापन किया जा रहा है, और साथ ही साथ अब इसकी एक गैलरी भी बनाई जा रही है, साइंस गैलरी है स्टार्स और प्लैनेट्स की। तो 2,40,00,000 रुपए इसमें लगेंगे, और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये राशि बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुक्त की जाएगी। तो बिहार प्लानिटोरियम जो पटना स्थित तारामंडल है उसका सुदृढ़ीकरण। आपको जानकारी होगी जो इकोनॉमिक सर्वे और अन्य जो वित्तीय मामलों में जो रिसर्च किए जाते हैं, वो CEPPF लोक वित्त में आर्थिक नीति केंद्र स्थापित थी वित्त विभाग के अंतर्गत, और ये आदरी के अंतर्गत ये स्थापित थी। अब आदरी की संस्था से इसको हटा के एक स्वतंत्र इकाई बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी बनाया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी, और ये आर्थिक और आर्थिक जो नीतियां हैं राज्य की
उस पर अध्ययन करेगी, समीक्षा करेगी और सुझाव देगी। यह वित्त विभाग के अंतर्गत यह सोसाइटी होगी और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त विभाग रहते हैं और इसका बोर्ड रहता है, इकोनॉमिस्ट रहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण ये केंद्र रहेगा और इकोनॉमिक सर्वे जो है यही संस्था गठन करती है। इकोनॉमिक सर्वे है और अन्य आर्थिक नीति पर रिसर्च। निबंधन कार्यालय है, उसका पुनर्गठन हुआ है, परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमक्खी, समस्तीपुर, दलसिंह सराय, रोसड़ा, बीटा और दानापुर, इसका क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। इन निबंधन कार्यालयों का यह मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का प्रस्ताव था। मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आपको बीआरडी को मैं डिटेल दे दूंगा आपके लिए जानकारी कि क्या क्या हुआ। डॉक्टर जय कुमार सुमन है, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल औरंगाबाद। ये 2/7/2016 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का कारण सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। बिहार संवर्णालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली जो है 2011 में संशोधन हुआ है, इसमें प्रमोशन के जो पद थे उसमें कितने कितने पद ऊपर होंगे और किस प्रतिशत में होंगे ये निर्धारित नहीं था। तो ये निर्धारित किया, निम्न वर्ग लिपिक 60%, उच्च वर्ग लिपिक 25%, प्रधान लिपिक 10% और सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी 5%। तो इस प्रतिशत का निर्धारण हुआ। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविधान नियोजन संशोधन नियमावली 2022 स्वीकृत की गई है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। ये पहले नियमावली गठन की गई थी, जैसे इसमें कार्यालय परिचारी हैं ये बाहरी स्रोत से लिए जाएंगे, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है ये बेल्ट्रॉन से लिया जाएगा। इसे सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद जो ये एक्सपीरियंस था आपका, जो इसमें मान्यता प्राप्त ये जो संविदा नियमावली में जो सर्वेयर का था उसमें एनसीबीटी एससीबीटी में जो मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थाएं हैं वहां से प्रशिक्षण प्राप्त योग्यताधारियों को लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें संशोधन ये हुआ है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो मार्क्स बेसिस पर हट के अब एग्जामिनेशन बेसिस पे होगी। तो ये महत्वपूर्ण ये संशोधन किए गए हैं, ये नियमावली 2022 विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविधान नियोजन, ये सर्वे जो भूअर्जन का भूमि सर्वे चल रहा है उसी का बहाली है। इसमें मैं बताया तो फर्क पड़ देता हूँ, इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है, विशेष सर्वेक्षण अमीन है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक है और कार्यालय प्रचारी। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिक के सवर नियमावली 2022 की स्वीकृति है। ये आपको पता होगा गुलजार बाग में सर्वे सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड कार्यालय है वो मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, वही नक्शा वक्शा आपको मिलता है। उसी में जो संवर्ग है जो रिकॉर्ड कीपिंग करता है उसमें निम्न वर्ग के लिपिक, उच्च वर्ग के लिपिक, प्रधान लिपिक, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी, इन सबका जो नियमावली है वो स्वीकृत हुआ है। 13 नंबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 8 के साथ, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम में जो अधिनियम था उसमें यह था कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में यदि कोई ये कंडिका 4 है, फूड सिक्योरिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है, इसकी अधिसूचना है ये, इसमें जो अलाउंस फूड सिक्योरिटी अलाउंस रूल्स है 2015 है, उसके रूल 4 में यदि कोई फूड ग्रेन, नॉन सप्लाई फूड ग्रेन किसी की गलती से नहीं होता है तो उसको अलाउंसेस देने का प्रावधान है। तो इसमें 1.25 गुना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका 1.25 टाइम्स उसको भुगतान करना पड़ेगा। सपोज कोई व्यक्ति आता है और उसको खाद्यान्न नहीं मिलता है तो उसको 1.25 टाइम्स गुना उसको खाद्यान्न देना पड़ेगा यदि किसी की गलती है। इसके हाँ जो उसका एंटाइटलमेंट है, उसको आप अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से मल्टीप्लाई करिए और साथ ही साथ उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करिए,
इसके लिए उसको शिकायत पहले करना पड़ेगा, उस शिकायत की जांच होगी कि किस कारण से नहीं मिला। जिसने नहीं दिया उसकी जवाबदेही निर्धारित होगी और उसके बाद इसका भुगतान का ऑर्डर किया जाएगा। जिला पदाधिकारी के व्यथित व्यक्ति के मामले में समय जांचोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान का आदेश पारित किया जाएगा। तो डीएम साहब बात पारित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसे असंतुष्ट है तो वो इस पर अपील भी कर सकता है। तो सपोज आपको 20-25 किलो मिलना था, आपको 20 मिला, 5 किलो आपका घट गया, तो उस घटे या घटे हुए मात्रा का भी ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मल्टीप्लाइड बाय 1.25 उसको भुगतान हुआ। लेकिन इसकी प्रक्रिया है, उसको पहले कंप्लेंट करना पड़ेगा, उसका जांच होगा, जांच में संबंधित पदाधिकारी पर जवाबदारी निर्धारित की जाएगी और उसके बाद भुगतान का आदेश दिया जाएगा। ये प्रक्रिया भी है इसमें। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिला तो आप हकदार और हकदार हो जाएंगे, लेकिन आपको जांच के पश्चात ये कार्रवाई की जाएगी। 14 नंबर ये एजेंडा है जिसमें अंतिम एजेंडा था, जिसमें सामान्य भविष्य निधि अंशदान, जो सरकारी कर्मचारी अपना GPF जमा करते हैं, उसकी अब सीमा 5 लाख कर दी गई है। तो पहले असीमित थी और न्यूनतम 6% था, लेकिन अधिकतम असीमित थी, इसको 5 लाख पर इसको सीमित कर दिया। पांच लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम जो वेतन वाले हैं उन पर फर्क नहीं पड़ेगा जो कम जमा करते थे, लेकिन जो ज्यादा जमा करते थे अब उनको 5 लाख से ज्यादा अब जमा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।